ये जो आचार्य चरण की कृपा से आप लोगों को ये दिनचर्या मिली है, यही आपको श्री जी से मिला देगी। हमारी बात पर विश्वास करना और कोई साधन का स्पर्श न करो, अर्थात हृदय में किसी अन्य साधन का बल न रखा जाए, केवल एकमात्र प्यारी जी और प्यारे जी के गुण और नाम और सेवा। तो कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। इसी श्रीमद् राधा सुधा निधि का श्लोक है। इसमें महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि जो उपासक केवल श्री जी के नाम गुण सेवा में रत है, ऐसे सुकृतवान उपासक के सौभाग्य उदय होते हैं। क्या उदय होते हैं? कभी प्राणाराध्य युगल सरकार जो यहीं खेल रहे हैं, वृंदावन की दिव्य वीथियों में, वृंदावन की कुंज निकुंजों में जिनका नित्य निरंतर विहार चल रहा है, वो कदावा खेलंतो, कभी खेलते खेलते अचानक आपकी दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। न ये तुम्हें बिल्डिंग दिखाई देगी, न कोई घर मकान, न कोई व्यक्ति दिखाई देगा, कुंज निकुंज और उन बीथियों में खेलते हुए युगल सरकार आ रहे हैं सहचरियों के साथ। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु। हा, क्या करेंगे वो खेलते हुए? हरंतो, वो आपके चित्त का अपहरण कर लेंगे। जहां चित्त पहुंचाना बड़ी बड़ी साधनाओं की भी बस की बात नहीं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, वो हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना, किसी सुकृतवान के चित्त का वो हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। अकस्मात उसके चित्ताकाश में, उसकी आंतरिक दृष्टि में प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला झलकने लगती है। अकस्मात कौमारे प्रकट नो कैशोर विभो, ऐसा दिव्य रस, बस केवल बात माननी होगी, अन्य कोई साधन नहीं, अन्य किसी का भरोसा नहीं। ये दिखावापन नहीं होना चाहिए उपासक के हृदय में कि मनो भयवश हम हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर प्रमाद स्थिति, ये उपासक में नहीं होता। ये बहिर्मुख पुरुष जो दिखावा करना चाहता है उसमें बात पाई जाती है कि सामने है तो हमें देखे कि हम बहुत प्रवीणता पूर्वक आपकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, और जब वो नहीं है तो प्रमाद स्थिति, ये दिखावा है। अगर आज्ञा हो गई है तो आज्ञा ही हमारी साक्षी है, हमारी गुरुदेव है, हमारे आराध्य देव है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। वो आवे ना आवे, वो देखे ना देखे, वो प्रतिकूलता भी दे, आज्ञा पालन करने पर वही, जिन्होंने आज्ञा दी वही प्रतिकूलता दे तो भी हम आज्ञा पालन में कहीं भी फिसलेंगे नहीं। बस तो आप विश्वास मानो, हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। ये जो निकुंज का रस है ये महान तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, पर कहा श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, छोटे तप वाला इस धर्म को न धारण कर सकता है न समझ सकता है। और आगे वाणी जी में ही सेवक वाणी में लिखा है, ज्ञान ध्यान व्रत तर्प और ये सब यहां प्रवेश नहीं है, यहां कौन से तप की बात कर रहे हैं? तो बोले समझो श्री हरिवंश कृपा,
कौन सत्तप इस धर्म में प्रवेश देता है और स्थिति प्रदान करता है? बोले हरिवंश चंद्र जी ने कृपा करके कहा, उसे समझो, सेवो धर्मिन जप, निरंतर इस रस के धर्मियों की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है, और वही जो आपको प्रदान कर रहे हैं वही निरंतर सुमिरन में, उपासना के सुमिरन में। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवहु और धर्मिन जप, धर्मियों की सेवा और उनके द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र, इसका निरंतर जप। जब ये होगा तब ये ऐसा सुकृत उदय होगा ये कि हरंतो श्री राजा, यहां पहुंच नहीं हमारी, वो आ जाते हैं। कदा वा खेलन, तो खेलते खेलते कभी युगल सरकार सखियों के साथ कहां आ जाते हैं? हृदय रूपी निकुंज, आंख खुली है, दृश्य निकुंज का है, देख रहा है युगल सरकार कैसे कुंज वीथी से पधार, न कोई सामने दृश्य है, न कोई अबाध दृष्टि उसकी होती, केवल निकुंज दिखाई दे रहा है, न कोई स्त्री, न पुरुष, न जड़, न चैतन्य, न बिल्डिंग, न कुछ नहीं, दिव्य लताएं, प्रिया प्रीत, हरंतो श्री राधा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु, हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्रतिना, किसी सुकृतवान के हृदय का हरण कर लेते हैं। जब संपूर्ण हृदय पर प्रिया प्रीतम ने अपना अधिकार कर लिया, इससे बड़ी और उपलब्धि किसी भी शास्त्र में, किसी भी साधना में नहीं। बस आवश्यकता है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन में दिखावा बहुत बाधक है। जिन उपासकों के हृदय में दिखावे की भावना है कि सामने है तो हम बहुत प्रवीणता पूर्वक, ऐसा नहीं होना चाहिए। है या नहीं है, है या नहीं, ये पार्थिव बात है। पार्थिव माने स्थूल, जैसे प्रभु कोई ऐसा कण नहीं जानना हो, ऐसे गुरुदेव कोई ऐसा कण या क्षण नहीं है जानना हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, वो चरचर में बैठ के हर समय तुम्हें देख रहे हैं जो गुरुदेव है। बस आज्ञा पालन। कोई बड़ा भाग्यशाली उपासक होता है जो आंख मूंद ली, किसी की कोई बात न सुनता है, न अपनी बात कहता है, एकमात्र आज्ञा पालन, बहुत बड़ा भाग्यशाली उपासक होता है। अपना कोई प्रयास नहीं, अपनी कोई निजी इच्छा नहीं, बस रसिक महापुरुष गुरुजनों की आज्ञा पालन। वो स्वयं हमको प्रतिकूलता दे तो भी हमें उनकी आज्ञा पालन में वैसे ही प्रवीणता और उत्साह बनाए रखना है, क्योंकि लीला होती है उनकी आज्ञा का पालन, उनको जीवन समर्पण, और वही प्रतिकूल व्यवहार वही करेंगे तो आपको लगेगा जिनकी आज्ञा पर जीवन समर्पित किए हैं वही प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। अरे कम से कम एक बार तो कह दें कि शाबाश, लेकिन नहीं कहेंगे वो, क्योंकि वो जिस अहंकार का नाश करके श्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं उस अहंकार को कभी पुष्ट नहीं कर सकते। अगर आपने 99.5 कार्य सही किए हैं उसमें बड़ा जरा सा गलत है तो सब ढक करके गलती को ऊपर लाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने तो बस थोड़ी कसर थी, नहीं आपने 100% बहुत सुंदर आज्ञा का पालन किया, ऐसा नहीं कहा जाता। क्या किया तुमने, देखो ये कमी है। अब उपासक की दृष्टि कमी में लगने के कारण दैन्यता आ गई, कहीं भी किंचन मात्र अभिमान नहीं हुआ। अगर शाबाशी मिल गई तो गर्व आ जाता है, अभिमान आ जाता, जो अभिमान श्री जी को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद, हमारी लाडली जी को अभिमान पसंद नहीं। कभी कभी लाल बिहारी जी प्रिया जी की भ्रकुटी वक्र देख करके डर जाते हैं, प्रिया जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, जब प्रिया जी मुस्कुरा देती थे उनके वो चरण पकड़ के कहते हैं लाडली जी बस आप हमें एक ही वरदान दीजिए, आप कभी मान नहीं करेंगे।
आप कभी जब आप हमारी तरफ नहीं चितवन करती, नहीं बोलती, या भ्रकुटी आपकी वक्र होती, तो तुम्हारी शो हमारे प्राण निकल जाते हैं। लालजू कहते हैं भगवान है, जिन प्रियाजू के सामने वास्तविक जिनका अभिमान है वो दैन्य है, क्योंकि वो प्रीति की रीति को जानते हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ाम दीन पनपुम। अपने लोग क्या है, ये जो हम गान कर रहे हैं, ये जो हम सेवा कर रहे हैं, ये जो हम नाम जप कर रहे हैं, उनकी कृपा से जैसे भी है चल रहे हैं, ये केवल उनकी कृपा से। यहां हम आप कहीं नहीं है, जरा सा वो कृपा हटे तो अभी पता चल जाएगा कि आप हम सब क्या है, कुछ नहीं। जो कछु होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। बस इतने पे हमें अपने जीवन को बांध देना है, बस वाणी जी जीवन बना लीजिए, नाम मंत्र को जीवन बना लीजिए, सेवा को जीवन बना, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं, कोई सिद्धि नहीं। और उनके दर्शन की, उनके मिलन की हमको चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है नाम वाणी का, वो खुद आ जाएंगे। कदा वा खेलन, तो देखो खेलते हुए आ जाएंगे, वो पूरे हमारे हृदय का अपहरण कर लेंगे। अगर ऐसा ना होता तो आचार्य चरण न कहते, ये आचार्य की वाणी है। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्रतिना। खूब भाव से नाम वाणी में हर समय लगे रहो, आज्ञा पर जीवन समर्पित, तो आराध्य देव आपको घसीट लेंगे। कोई सहयोगी नहीं पूरे विश्व में, केवल गुरुदेव की आज्ञा ही हमारी मित्र है। आज्ञा हटी तो गुरुदेव के समीप रहने पर भी लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, शब्द याद कर लो। आज्ञा पर नहीं चल रहे तो गुरुदेव के समीप रहने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। आज्ञा है तो माना गुरुदेव का प्रकट रूप नहीं है, पर गुरुदेव समा जाएंगे आप में, आपके रोम रोम में अनुभव होगा कि मैं तो हूं ही नहीं, गुरुदेव ही गुरुदेव है, मैं हूं ही नहीं, गुरुदेव ही गुरुदेव है, हमारे तो तन मन प्राण में गुरुदेव का अधिकार हो गया है, ऐसा अनुभव होगा। ये कोई व्यवहार की बातें नहीं गुरु शिष्य की है कि फूल माला प्रणाम नमस्कार थोड़ी मिठाई पर, ये ठीक है लोक व्यवहार में है, ये परमार्थ का स्वरूप नहीं। परमार्थ का स्वरूप है तदात्म, गुरु में तदात्म हो जाना, नेत्रों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आचरण में गुरुदेव ही विराजमान है। आचरण भी जो हो रहे हैं गुरुदेव की ही आज्ञा से हो रहे, तो गुरुमय हो रहे हैं। वही उपासक सतरति सतरति सा लोकांतरयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को उतार देता है। इसलिए धैर्य पूर्वक की बात समझो, उपासक के जीवन में केवल आज्ञा पर दृष्टि होनी चाहिए, पार्थिव व्यवहार पर दृष्टि नहीं। आज्ञा पर रहिए, मिलेगा तो आपको आज्ञा पर जो मिलना है, भागने से नहीं, कहीं भी भाग के जाओ, कहीं भी शब्द पर ध्यान दीजिए, कहीं भी हो। बहुत ये सूक्ष्म विषय प्रगट में बहिर्मुख उपासक जान नहीं पाता, उसको लगता है कि यहां जाने पर हमें वस्तु मिल जाएगी। यहां जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, गोस्वामी जी कह रहे हुए घुनाक्षर न्याय, जो घुन जैसे गेहूं में अंदर ही अंदर एकदम खोखला कर देता है, ऐसे ही तुम्हारा चिंतन सारे चिंतन को भस्म कर दे, एकमात्र भगवत स्वरूप चिंतन। ये बात, भागने की कहीं जरूरत, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। गुरु कृपा से बड़े बड़े सिद्धों का सानिध्य, बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, पर बात यही समझ में आई कि करना पड़ेगा आपको। सुमिरन, सेवा, लीला गायन, चिंतन, निरपेक्ष, इतने को अपना जीवन बना लो, समय ही नहीं है। खुद आप अनुभव करोगे, आपके हृदय में शीतलता रहेगी, कोई प्रश्न नहीं रहेगा,
प्रिया प्रीतम से भी कोई चाह नहीं रह जाएगी। जब आप नाम वाणी सेवा में रत होंगे तो प्रिया प्रीतम दूर थोड़ी लगते हैं, ये किसको भोग लग रहा है? अरे हर समय वो समाये रहते हैं, हर समय। बस वो आगे बढ़ो। जैसे कोई एक उपासक आया, वे सुबह प्रश्न, हम अमुक जगह से आए और हम ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, हम हर समय ठाकुर जी के सुमिरन में मगन रहते हैं। भला कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद की बात कहता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। बड़े बड़े सिद्धों को देखा है प्रार्थना करते हुए। जब हम लोग छोटे थे जाते थे संतों के पास, तो वैसे आप सब वैष्णव कृपा करो, भजन बन जाए, जीवन हो गया, भजन नहीं बन रहा। जो डूबे हुए हैं आंसू भर के कहते कभी तो राधा रानी कृपा करें, हमें थोड़ा प्रेम का किनका मिल जाए। जो प्रेम में डूबे हुए अपने लोग क्या कहते हैं? ठाकुर जी से बहुत प्रेम है, ये शब्द निकल ही नहीं सकता, यहां से नहीं निकल, गला काट दिया जाए तो भी नहीं निकलेगा। ये किसका निकलता है? इसको है नहीं, जिसके है नहीं वही प्रेम निकल। हम बहुत प्यार करते हैं युगल सरकार को, ये केवल वाणी की वार्ता है। हृदय से जब आपसे कोई पूछेगा आप प्यार करते हो श्री जी को, तो खोजने पर भी उससे नहीं लगेगा कि हम प्यार करते हैं, पर ये लगेगा कि इनके सिवा कोई हमारा है नहीं, पर प्यार करते हैं कि नहीं तो वही बताएंगे, हमें तो पता भी नहीं है कि हम क्या प्यार करते हैं। उनसे पूछो, वो बताएंगे कि क्या है हम। जब आपसे पूछा जाए कि आप निरंतर भजन में रत हो, तो आपका गंभीर स्वभाव उस समय प्रकाशित हो जाए। हमसे भजन कहाँ बनता है? अगर कुछ हो रहा होगा तो गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है, भजन हमारे बस की बात कहाँ। ये वचन होते हैं उपासकों के, ये बहिर्मुख पुरुषों के, ये देहाभिमानियों को वचन होते हैं। 24 घंटे हमारा भजन चलता है, हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा होती है, ये सब अहंकार पोषण। तुम सेवा कर सकते हो, एक मिनट नहीं कर सकते, आठों पैर क्या कर पाओगे? आठों पैर हो रही है लाडली लाल आपसे कर जाओ, वो आपसे करा रहे हैं, तो फिर इसमें आपका अहंकार कहाँ? सेवा की शौन दे रहे, सेवा की चतुराई दे रहे, सेवा का बल दे रहे, सेवा करवा रहे, ये तो हम पर कृपा कर रहे, वो तो पूर्ण काम है, उनको न सेवा की सौंज की जरूरत है न सेवक की जरूरत है, वो तो पूर्ण काम है। पूर्ण काम होते हुए वो हमको अपना प्यार देने के लिए, अपनी करुणा का अनुभव कराने के लिए वो ऐसा संयोग बैठा ले, वो तो इसमें मेरा बोलने का क्या अधिकार है? मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत ऐसा प्यार करता हूँ, ये सब उपासक की जिभ्या पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत दैन्य रहो, गंभीर रहो और देखते रहो, उधर से हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, उधर से कृपा सब आपको संभाले हुए चल रही। ऐसे ही उधर से देखोगे लाडली लाल मिल जाएंगे, कदावा खेलन। तो ये क्या होता है कि जब आप आगे भजन में बढ़ोगे तो एक चिंतनी वृत्ति जागृत होती है। अब सुबह से फंसा है, कदावा खेलन तो ब्रजनगर बीती सुहृदयम, हरन तो श्री राधा ब्रजपति को। ओहो, ले समझ नहीं पा रहे, समझो, हरन तो श्री राधा हृदयम हरन तो, वो हरण करेंगे, तुम्हें चिंता क्या किया? तुम्हें चिंतन की जरूरत है, तुम्हें उनके होने की जरूरत है और उन्हीं के बल से हम उनके हैं। अब तो बेपरवाह रहो, मस्त रहो, हर समय आज्ञा में रहोगे तभी बेपरवाह रहोगे, हर समय आज्ञा में रहोगे तभी मस्त रहोगे। राधा वल्लभ लाल।